पहली अपडेट आ रही है दोस्तों हिंदुस्तानी भावुक के बारे में। वैसे तो मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर बता दिया हूँ कि गुरु कोहली नाम का एक लड़का जो हिंदुस्तानी भावुक के नाम से एक दुकानदार से बहुत सारा गैजेट है वो हड़प लिया है, उनसे मतलब उनके साथ फ्रॉड कर लिया है। उनको कह दिया कि मैं आपको हिंदुस्तानी भावुक से मिला दूंगा, हिंदुस्तानी भावुक मेरे साथ ही है होटल में और वो मेरा खास है। लेकिन इसके बारे में मैंने आपको यह नहीं बताया था कि वो लाइव आकर चर्चा की है। तो हिंदुस्तानी भावुक ने लाइव आकर चर्चा की है और उस गुरु कोहली का 1 मिलियन वाला अकाउंट यानी उसके 1 मिलियन फॉलोअर से उसका अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। यानी हिंदुस्तानी भावुक के फैन है वो, उन्होंने रिपोर्ट किया तो उसका अकाउंट है वो डिलीट भी हो गया है। मेनली दो चीज़ों पर बात किया, पहले तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि उस गुरु कोहली पर लाइव आकर बात किया वो, तो पहले आप देख लीजिए भावुक का क्या कहना है। आज इसके लिए लाइव है अभी क्योंकि हर किसी को बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम लेके अगर कोई भी इंसान ये बोलता है कि भावुक मेरा खास है, मैं भावुक से मिलाता हूँ, आपका काम भावुक से करवा के देता हूँ, ऐसा कोई भी अगर इंसान आपको बोलता है उसके ऊपर विश्वास करना नहीं। मैं किसी से भी मिलने का या कोई भी चीज़ का पैसे लेता नहीं हूँ, मगर मेरे नाम से किसी को भी पैसा देना नहीं, मैं मिलने का पैसा लेता नहीं। बस इसके लिए लाइव आया था और ये गुरु कोहली, इसको इसकी औकात आप लोगों ने दिखा दी। सिर्फ 10 या 15 मिनट के अंदर आप लोगों ने उसका 1 मिलियन का अकाउंट उड़ाया, इसके लिए सबको तहे दिल से शुक्रिया। ये लड़के ने सूरत में एक दुकान वाला है, उसको जाके उसने ये बोला कि भाऊ मेरे खास है और मेरे साथ ही होटल में रुके हुए हैं सूरत में, आपको मैं मिलाता हूँ। वो चक्कर में वो दुकान वाले से उसने वो आईपैड, वापस एक मोबाइल फोल्ड 2 और एक घड़ी, आईपैड, ईयरबड क्या बोलता है वो, ये सब लिया, बोला भाऊ को देना है। भाऊ ने यह कहा कि मैं पैसे कमाने के लिए या फिर आपसे पैसे लेने के लिए काम बिल्कुल ही नहीं करता हूँ, मैंने एक ऐप भी बनाया था और वो ऐप कौन सा था मैंने आपको बताया था दोस्तों। और एक बंदे ने बहुत दिन पहले एक्सपोज भी किया था कि हिंदुस्तानी भाऊ बिजनेस कर रहा है, 150 रुपये लगते हैं या फिर इतने कुछ रुपये लगते हैं उस ऐप के अंदर भाऊ को मैसेज करने के लिए, और भाऊ मैसेज देखता भी नहीं है। लेकिन आज उसका जवाब मिल गया दोस्तों कि हिंदुस्तानी भाऊ ने यह कहा कि आप उस ऐप पर पैसे बिल्कुल ही मत लगाइए, हिंदुस्तानी भाऊ उस पर एक्टिव बिल्कुल ही नहीं है। जब उनके यूट्यूब अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ भी नहीं था तब उन्होंने उस ऐप को ज्वाइन किया था और उस कंपनी को ज्वाइन किया था, और उस कंपनी से यह कहा था कि भाई मेरे नाम से किसी को पैसे नहीं लेने हैं, लेकिन वो पैसे ले रही थी, इसलिए भाऊ ने उस ऐप को अभी छोड़ दिया है फिलहाल। तो यह खास न्यूज है दोस्तों, हिंदुस्तानी भाऊ है वो पैसे नहीं ले रहे हैं ऐसा उनका कहना है। तो उसके बारे में भी क्या कहा है आप सुन लीजिए। जो ऐप स्टोर पे मैंने जो एक एप्लीकेशन खोला था वो ऐप मैं यूज नहीं करता हूँ, इसलिए यूज नहीं करता हूँ क्योंकि वो कंपनी के साथ मेरा ये हो गया था, मेरा ऐप पे किसी से भी 1 रुपया लेना नहीं। जो भी मेरे वीडियो देखना चाहता है, जो भी अगर मेरे मुझसे मैसेज पे बात करना चाहता है, मैसेज पे बात करने का पैसा लेने का नहीं। ये मेरी कंपनी के साथ बात हुई थी, वो भी ऐप इसके लिए खोला था मैंने क्योंकि तब मेरे पास ना इंस्टाग्राम आईडी थी ना यूट्यूब आईडी थी, इसके लिए मैंने वो ऐप कंपनी के साथ बैठ के एग्रीमेंट किया था। और मैंने तब कंपनी को ये बोला था कि मेरे जितने भी फैंस हैं, ये कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, ये पैसे कमाते नहीं है। आई होप दोस्तों आपको हिंदुस्तानी भाऊ के बारे में दोनों न्यूज पता चल गई होगी। पहले तो इनके नाम से यदि आपको मिलाना चाहते हैं या फिर कोई लूट रहा है तो बिल्कुल उनको पैसे नहीं देने हैं, और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तानी भाऊ का ऐप क्लोज हो चुका है, इनके पास भाई कोई कमी नहीं है ऐसा उनका कहना है कि इनके पास बहुत सारे मोबाइल है। उस दुकानदार से भाई एक आईपैड है, फोल्ड 2 मोबाइल है, यहाँ पर ईयरबड्स है, बहुत कुछ लूट लिया ऐसा उसका कहना है। अगली न्यूज आ रही है दोस्तों आमिर सिद्दीकी के बारे में। आमिर सिद्दीकी और अलविश यादव, कैरी मिनाटी, इनका क्या पंगा था 1 साल पहले यूट्यूबर से टिकटॉक वाली कंट्रोवर्सी आपको तो पता ही होगी दोस्तों। लेकिन अब डैंक रिव्यू को वीडियो को सपोर्ट किया है, और डैंक रिव्यू आपको पता होगा कि अलविश यादव के ऊपर डेडिकेटेड एक्सपोज वीडियो बनाया है। तो लाइव आकर आमिर सिद्दीकी ईद के दिन है वो क्या कहे हैं उस डैंक रिव्यू के बारे में आप सुन लीजिए। और इंपॉर्टेंट न्यूज, डैंक रिव्यू को आप लोग सब लोग तो जानते रहेंगे, कौन कौन जानता है डैंक रिव्यू को। आई हैव सीन डैंक रिव्यू का रिसेंट वीडियो जो कि डिलीट हो चुका था, बट डैंक रिव्यू का रिसेंट वीडियो आ चुका है, तो जाके देखो, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये वीडियो देख के, आई एम हैप्पी। ये भी आप मान सकते हैं दोस्तों कि एक इनडायरेक्ट रिप्लाई था 1 साल बाद अलविश यादव को। अगली न्यूज आ रही है दोस्तों थारा भाई जोगिंदर के बारे में। थारा भाई जोगिंदर है वो रिप्लाई किया है सलोनी याप्पा को। आपको पता होगा कि सलोनी याप्पा ने थारा भाई जोगिंदर पर 2 वीडियो बनाए हैं और इस वीडियो को लेकर रिप्लाई किया है। उसके अंदर भाई खास बात यह है रिप्लाई के अंदर कि बहन बोल रहा है, ये कह रहा है कि तू इन रोस्टर के चक्कर में ना आ। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार रोस्ट ही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मजाक ही तो कर रहे हैं। भाई किसी
पॉइंट का तो जवाब थारा भाई जोगिंदर देता नहीं है, बस मैं थोड़ा सा मेरा पॉइंट रखना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ पॉइंट का तो जवाब देता नहीं है, यही कहता है भवंडर आएगा भवंडर आएगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दो और ऐसे वैसे कुछ कहता है। तो भाई उनके वीडियो प्ले करके आपको दिखाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सबको रिप्लाई दे चुका है और सबका सेम रिप्लाई है। यहाँ पर छपरी यूट्यूबर ऐसे बोल रहा है, यहाँ पर ट्रिगर्ड इंसान और सलोनी अपा को भी रिप्लाई दे चुका है। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इसके अकाउंट पर जाकर स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यूज़ वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद जय भारत।